वडोदरा शहर शिक्षा समिति की ओर से आरटीआई के तहत 6 से 18 साल की आयु के बच्चे जो अभी तक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते हैं उन्हें ढूंढकर सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवाने की कामगिरी 31 जनवरी तक की जाएगी। वडोदरा शहर में ऐसे 6 से 18 साल की आयु के कई बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते। ऐसे में वडोदरा शहर शिक्षा समिति की ओर से 6 से 18 साल की आयु के ऐसे बच्चों को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल 31 जनवरी तक 38 शिक्षकों की टीम शहर के फुटपाथ, कंस्ट्रक्शन साइट, रैन बसेरा समेत की जगहों पर सर्वे करेगी। अब तक दो दिन में टीम की ओर से 130 जितने बच्चे ढूंढ निकाले गए हैं। विभिन्न इलाकों में से ऐसे बच्चे ढूंढकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आरटीआई के तहत उन्हें सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलवाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चुड़ासमा ने ज्यादा जानकारी दी है। वडोदरा शिक्षण समिति द्वारा जे छे ते एक नवो अभिगम अपनावामां आवे छे कि जेटला पण लोको जे बाळको फूटपाथ पर रहे छे तेमने आइडेंटिफाई करी अने तेमने जे छे स्कूलनी अंदर एडमिशन आपवामां आवशे। शुं छे आखी जे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अने समग्र शिक्षा वडोदरा टीम द्वारा दर वर्षे आ प्रकारनी सर्वेनी कामगीरी करवामां आवे छे। सर्वेनी कामगीरीनी अंदर सर्व शिक्षानी साथे जोडायेला बाळ मित्रो उपरांत आईईडीनो स्टाफ, सीआरसी, यूआरसी कोऑर्डिनेटर, वडोदरा शहरनी नामांकित एनजीओ, स्वैच्छिक संस्थाओं आ बधाना सहकारथी आ प्रकारनी एक सर्वेनी कामगीरी करवामां आवे छे। वडोदरा शहरना चार झोननी अंदर शरूआत ज्यां कंस्ट्रक्शन काम चालतुं होय, ब्रिज नीचे होय, आ प्रकारना शेल्टर होमनी अंदर रहता होय, ભિક્ષુક ગૃહ હોય એ દરેક જગ્યાએ જઈ અને સર્વેની કામગીરી કરી લગભગ 4-5 દિવસના સમયગાળામાં 130 બાળકો અમને મળ્યા છે। 31 તારીખ સુધી આ સર્વે કરી અને એક પણ બાળક વડોદરા શહેરમાં સ્કૂલમાં ન જતો હોય એવો બાળક ન રહે એવો અમારો પ્રયાસ છે। જેટલા બાળકો મળે એમને મૂકી શકીએ એમના માટેની વ્યવસ્થા અમારા અંદાજ મુજબ દર વર્ષની એવરેજ મુજબ લગભગ 500-600 બાળકોનો અમારો લક્ષ્યાંક છે કે આટલા બાળકો શાળાએ ન જતા હોય એવું ધ્યાનમાં આવ્યું છે। એ તમામ શાળાઓને નજીક બાળકોને નજીકની સ્કૂલની અંદર એમનું નામાંકન કરી સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ચલાવી અને એના વયકક્ષા મુજબનું શિક્ષણ એ પ્રાપ્ત કરી અને ત્યાર પછી વર્ગ શિક્ષણ કાર્ય દરેક બાળક સાથે કરે એ પ્રકારનું અમારું આયોજન છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।